अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे बच्चों। बच्चों आपको पता ही है, आज हम केमिस्ट्री का पोर्शन हमने उठाया है, तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमारा जो इसमें चैप्टर है वो चल रहा है। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मेंडेलीव कंट्रीब्यूशन इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में मेंडेलीव का क्या किरदार रहा है, उसने क्या रोल अदा किया इस क्लासिफिकेशन में। इससे पहले मैंने आपको तो ट्रायड के मुतलिक बताया और ऑक्टेव के मुतलिक बताया। तो अब मेंडेलीव ने क्या किया ये मैं आपने बताना है। मैन क्रेडिट फॉर क्लासिफाइंग एलिमेंट गोज टू डिमिट्री आयोनिच मेंडेलीव, अ रशियन केमिस्ट। ये जो मेंडेलीव था, ये रशियन केमिस्ट था, उसी को ये क्रेडिट जाता है कि उसने इन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन किसी हद तक ढंग से की, तो ये क्रेडिट उसी को जाता है। ही वाज इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ पीरियडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ये जो मेंडेलीव था ये इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर था, किसका, जो इस पीरियडिक टेबल की तरक्की में उसने जो रोल अदा किया वो मतलब बहुत ही खुश आयन था। द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ये जो एलिमेंट्स उसने रखे इस पीरियडिक टेबल में, उनको उनकी जो मतलब टेबल बनाने की जो बुनियाद उसने रखी वो थी मतलब वो था एटॉमिक मास नंबर वन, और नंबर टू था सिमिलैरिटी ऑफ दियर केमिकल प्रॉपर्टीज। सिमिलैरिटी ऑफ दियर केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलैरिटी और एटॉमिक मास, ये जो मतलब बुनियाद थी इस पीरियड टेबल की जो मेंडेली ने हमारे सामने रखा या उसको दुनिया के सामने रखा। तो मेंडेली वर्कड ऑन 63 एलिमेंट्स पर मेंडेली ने काम किया और एग्जामिन किया, यानी उसने ऑब्जर्व किया, उसने ये मतलब प्रैक्टिकल किया उस पर कि रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एंड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। उसने एग्जामिन किया, उसने देखा कि क्या रिलेशन हो सकती है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और उनका जो एटॉमिक मास है उनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। मेंडेलीव ऑब्जर्व्ड दैट दीज ऑकर्स ए पीरियडिक रेकरेंस ऑफ द एलिमेंट। मेंडेली ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या मुशाहिदा किया, उसने देखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसी वक्फे के बाद, किसी वक्फे के बाद वो प्रॉपर्टीज रिपीट हो जाती है, यानी ऑकर्स ए पीरियड रेकरेंस ऑफ द एलिमेंट, यानी एलिमेंट्स आते हैं इस एटॉमिक मास की बुनियाद पर कि उनकी जो सिमिलरिटी है केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी वो मतलब रिपीट हो जाती है विद सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑन दिस बेसिस, इस बुनियाद पर मेंडेलीव फॉर्मुलेटेड ए पीरियडिक लॉ। मेंडेलीव ने एक कानून बनाया, पीरियडिक लॉ बनाया, व्हिच स्टेट्स दैट जिसका खुलासा इस तरह है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास, कि ये जो एलिमेंट्स की जो पीरियडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो है वो है पीरियडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास की बुनियाद पर इन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो एक वक्फे के बाद रिपीट हो जाती है। तो उसी रिपीट होने की बुनियाद पर यानी सिमिलर प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर इन एलिमेंट्स को कॉलम्स या रोज में रखा गया। तो मेंडेलीव्स पीरियड टेबल कंटेनर्स, मेंडेलीव के पीरियड टेबल में वर्टिकल कॉलम्स जिनको ग्रुप्स कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल रोज थी इसमें जिनको पीरियड्स कहा जाता है, यानी इस लॉ के मुताबिक इन एलिमेंट्स को कॉलम्स एंड
grup ismi taksim kalımız or horizontal rule ismi taksim gel gel galas pek gel galas pek gel lekin is periodic table jo mendelian diye isme bir kuş limitation asti limitation of mendelian was periodic galas pek için kya first limitation of mendelian periodic table was that Hadrian was not given a fixed position in this periodic table. Pehla jo iska jo limitation yani drawback tha ki Hadrian jo sabse pehla element hai jiska atomic number 1 hai aur usko koi fixed position nahi thi is periodic table mein jo Mendeleev ne hamare samne ya dinne ke samne rakha. Isotopes of all elements also pose a big jo jo isotopes the elements ke ne elements ka ek ya do shaklon mein hona isne bhi ek bada challenge rakha Mendeleev's periodic table ke samne is law ke samne. Isotopes of an element have similar chemical properties but different atom mass. Ye jo isotopes hai kisi element ki unki jo chemical properties hai सिमिलर होते हैं लेकिन इनका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होता है. तो तीसरा जो ड्रॉबैक था यो लिमिटेशन अनदर प्रॉब्लम वाज दैट द एटॉमिक मास डिड नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर. कि तीसरी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं होता था एक रेगुलर मैनर की तरह इज गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू नेक्स्ट यानी एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट यानी में रेगुलरली ये एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं होता था. सो it was not possible to predict how many elements could be discovered between the two elements. So isliye hamare liye ye mumkin hi nahi tha ki hum ye kaise ke do elements ke darmiyan aur kitne elements ho sakte hain. So is tarah main pyare bachcho maine aapko aaj ye samjhane ki koshish ki. Umeed hai ki aapne samajh liya hoga. To baki assalamu alaikum.